Now, Sri Dilip Kumar Tirki. बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में जितने भी IIT हैं वहाँ से काफ़ी टैलेंटेड बच्चे स्टूडेंट आज बाहर निकल के देश दुनिया में काम कर रहे हैं। दुनिया को बहुत अच्छे टैलेंट हमने स्टूडेंट इंजीनियर हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी जो सरकार 6 नया IIT खोलने का विचार किया लेके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें देखना होगा कि जो इस साल का जो बजट है 16-17 का जो बजट है, इसमें ₹230 करोड़ का जो एलोकेट किया गया है, देखना होगा कि सेंट्रल और स्टेट का शेयरिंग कितना है और जितना जल्द काम ख़त्म हो यही हम चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके सरकार ने ओडिशा के साथ एग्रीमेंट किया था मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें ₹600 करोड़ का शेयर था, जो कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज वहाँ पे कंप्लीट भी हो गया, लेकिन जो सेंटर के शेयर अभी तक पहुँच नहीं पाया। तो इसके आप लोग ज़रूर नज़र में रखिए। इसके साथ साथ ऑलरेडी हमारे पास जितने भी IIT हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे में, रुड़की, कानपुर, इवन हमारे भुवनेश्वर में भी अभी काफ़ी पोस्ट खाली पड़े हैं, इसको भरने की कोशिश किया जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि IIT में अभी फीस काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जो कि हमारे ST SC जितने भी गरीब किसान के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकते हैं। इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। और यही चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी IIT बन रहे हैं और दुनिया के बेस्ट 100 में आए, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ